नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों की चुनावी जनसभा और चुनावी भाग दौड़ तेज़ हो गई है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों अपने अपने तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले की त्योथर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी के समर्थन में प्रचार करने उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री निर्यात प्रोत्साहन NRI निवास प्रोत्साहन मंत्री नंद कुमार नंदी पहुँचे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी के प्रचार के लिए हर अटकंडे अपनाने से पीछे नहीं होना चाहती है और उसी की तर्ज पर त्योथर में लगातार कई बड़े नेताओं का आवागमन शुरू है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही त्योथर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी त्योथर में सिद्धार्थ तिवारी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पचामा चिल्ला एवं त्योथर में पैदल भ्रमण कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। आपको बता दें, नंद गोपाल नंदी उत्तर प्रदेश सरकार के संघर्षशील मंत्री माने जाते हैं। भाजपा की माने तो मंत्री नंदी का वैश्य समाज में अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि भाजपा जहां भी वैश्य समाज के वोटर होते हैं, वहां पर नंदी का उपयोग कर वैश्य समाज का वोट बैंक साधने की कोशिश करती है। वहीं मंत्री नंदी का त्योथर में नगर परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया, जहां महिलाओं की भी अहम भूमिका रही। तो वहीं स्वागत के बाद नगर भ्रमण से पूर्व शनिधाम मंदिर में दर्शन आरती कर मंत्री ने नगर भ्रमण का कार्यक्रम शुरू किया। वहीं नगर भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व त्योथर विधायक श्याम लाल द्विवेदी, सेक्टर प्रभारी विद्यासागर शुक्ल एवं अलख नारायण के सरवानी एवं मंडल अध्यक्ष ने अहम भूमिका निभाई। वहीं नंद गोपाल नंदी ने हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज जिस प्रकार से नित्यदिन नए आयामों को लिख रहा है, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही हो, फिर चाहे वह किसान सम्मान निधि की बात हो, प्रत्येक योजनाओं ने देश के गरीबों को सहारा देने का काम किया है। ऐसे में त्योथर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर विकास की गाथा पर अपना सहयोग करने के लिए आतुर है। वहीं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भाजपा में डैमेज कंट्रोल की बात स्पष्ट करते हुए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमारा तो प्रत्याशी कमल होता है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी उद्देश्य से त्योथर में भी भाजपा को विजयश्री हासिल करवाएंगे। रीवा के त्योथर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला की खास रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।